हमारी क्लास से ताल्लुक रखती हूँ और ये हमारा सालाना चिलिंग जोश जो कि हम स्प्रिंग के वेलकम के लिए मनाया जाता है और ये ना कि सिर्फ एक फेस्टिवल है बट हमारा जो कि एक रिचुअल है, बहुत पुराना रिचुअल है और ये फेस्टिवल हम अपने कल्चर के लिए मनाते हैं, ना कि दूसरों के लिए मनाते हैं। ये हम कैलाश लोग हम खुद अपने कल्चर के लिए मनाया जाता है, तो इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। ये काफ़ी पुराना फेस्टिवल है, तकरीबन जब ये कैलाश कल्चर बना है उस दौर से ये फेस्टिवल चलता आ रहा है और इसमें बहुत से ये तीन दिन का फेस्टिवल होता है। पहला दिन जो इसका होता है फ्लावर डे, क्योंकि ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है तो हमारे यहाँ पर एक फ्लावर होता है माउंटेन में, पहले उसे कलेक्ट करके घरों के लिए आया जाता है, फिर सुबह उससे घर के दरवाज़ों में उन्हें सजाया जाता है और कुछ ऐसे रिचुअल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी उनको सजाया जाता है। तो ये जो कि दूसरे दिन किया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा मिल्क डे होता है। मिल्क डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ होते हैं उनकी जो कि दूध हर एक फार्म हाउस में कलेक्ट करके ले आया जाता है, क्योंकि वे एक सदका होता है ताकि हमारे माल मवेशियों का अच्छा हो। तो उसके बाद फिर हमारे अपने रिचुअल वाले फेस्टिवल स्टार्ट होता है। पहले जो कि जोशी जो कि आज का दिन है, इस टाइम ये एक इसे हम मतलब छोटा जो फेस्टिवल है उसे वो कहते हैं, ये एक हम कैलाशी जुबान में तो इसे जोशी कहते हैं लेकिन दूसरी जुबान में इसे चिलम जोश कहा जाता है। तो इस टाइम पहला दिन जो होता है, एक वो जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको वेलकम किया जाता है, उन पर मिल्क के ड्रॉप्स वो किया जाता है, फिर ये एक वेलकम होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे जो पुराने रस्म रिवाज के जो त्यौहारों के जो डांसेस होते हैं वो एक डांसेस नहीं उनके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, दुशक होते हैं, चा होते हैं, उनको किया जाता है क्योंकि वो और फिर जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको रिपीट किया जाता है। ये एक छोटा सा फेस्टिवल I'm gonna go.